हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार पटेल आज आपके टेक्नो प्लस स्टडी चैनल पर फिर एक बार स्वागत करते हैं। आज हम इंटर्स की फिजिक्स की तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। तीसरी वीडियो, जैसा कि आपको पता होगा कि पहली और दूसरी वीडियो डाल चुके हैं, दो पार्ट डाल चुके हैं, यानी पहले पार्ट का पहला वीडियो, दूसरे पार्ट का दूसरा वीडियो, और आज तीसरे पार्ट का तीसरा वीडियो आपके सामने है। इसको आप आराम से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आपको पहले पार्ट का और दूसरे पार्ट का सभी का वीडियोज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी अध्याय के सभी पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो उन वीडियो को देख लीजिए। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप देखते रहिएगा। और लास्ट में ये दो वीडियोज और आपको मिल जाएंगी, उनको भी देख लीजिएगा, जिससे आप केमिस्ट्री और फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी डाल रहे हैं। और लास्ट में एक वीडियो जो आपको मिलेंगी हर एक सब्जेक्ट की, जिसमें पूरा छांटा गया क्वेश्चन होगा, आपको 20-25 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन केवल पूरे पार्ट से होगा, उसको आप देख लीजिए। उसमें से आपको जरूर 10-20 क्वेश्चन में से आपको 10-15 क्वेश्चन तो आराम से फंसना है, बस आपको वो देखना है केवल उस वीडियो पहले। इसको अगर अब आप रट लेते हैं अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को, तो अभी परीक्षा आने से पहले ज़्यादा नहीं है, टॉप 10 की कैटेगरी में 10 क्वेश्चन है सभी पार्ट से, बस और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो आपको अगर 10 पार्ट है, 12 पार्ट है, 15 पार्ट है, तो 15 धामा 50 क्वेश्चन याद करने हैं बस केवल। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। तो वीडियो में क्या क्या चीज़ है चलिए हम दिखाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो है आपके तीसरे पार्ट जो है, स्थिर विद्युत विभव और विद्युत धारिता जो पार्ट है आपका, उस पार्ट से है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक दो पुस्तकों से लिया गया है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए या इसकी बीमा लिखिए। तो आपको ये याद कर लेना है कि इसकी परिभाषा क्या होती है और इसकी बीमा क्या होती है। तो परिभाषा आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बीमा इसकी आपको निकाल के दिखाया गया है कि MLT²T-3A-1 की पावर होती हैं। इसको आप बीमा बहुत सिंपल से होता है निकालना, बीमा जैसा कि आपको 11th में निकालना बताया गया होगा, तो उसी तरह निकाल करके निकाल सकते हैं, नहीं तो आप याद कर सकते हैं। तो आगे दूसरा क्वेश्चन, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, इसके बाद आपका संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ के उपयोग से धारिता क्यों बढ़ जाती है, या इस ये क्वेश्चन आपका इस तरह हो सकता है कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जो होता है भरने पर इसकी धारिता का क्या प्रभाव होता है। यानी आपको जब क्वेश्चन आएगा कि संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ जो होता है, अगर उसको पदार्थ में उनके प्लेटों के बीच, संधारित्रों के बीच अगर भरा जाता है, तो धारिता जो होता है, धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, कि क्या रहता है, इसको आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसा कि आपको उत्तर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका उत्तर है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, और संधारित्र के ऊर्जा घनत्व से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, और क्या इसके बारे में आप कह सकते हैं, इसके बारे में आप जो प्रश्न आएगा इसके लिए व्यंजक आपको बनाना है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तब आपको उत्तर यही देना है। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट के संधारित्र में संचित ऊर्जा जो होती है 1/2E0 और E² है, जहां प्रतीक का समान अर्थ है, प्रतीकों का एक समान अर्थ होगा, अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह मिलता है कि संचित ऊर्जा ये है संधारित्र प्लेटों के बीच एकांक आयतन में, तो आपको प्रदर्शित करना हो, तब आपका उत्तर तब भी वही होगा। दोनों क्वेश्चन का उत्तर उसी तरह देना है, वही उत्तर होगा। ये सारे उत्तर हैं, आपको सारे उत्तर आपको आराम से देख लेना है, नोट कर लेना है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना है। इसका हम PDF भी दे देंगे, पर आपको कमेंट करना है, PDF की लिंक बना देंगे, PDF डाल देंगे, बस आपको कमेंट करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित, यानी अंधेर स्थिति पर, द्विध्रुव जो होता है उसका अक्ष अंधेर हो स्थित पर हो, तो स्थित की बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि किसी वैद्युत ध्रुव की अच्छी स्थिति में, अगर आपका जो वैद्युत ध्रुव होता है, आपका वैद्युत ध्रुव अच्छी स्थिति में हो, तब वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना हो, तब आपको क्या स्थापित करना हो, वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना। इसमें प्रश्न अगर आएगा कि किसी भी अंधेर स्थिति में हो वैद्युत ध्रुव अक्ष पर, कौन अक्ष पर, कौन सी अक्ष पर होगा, अंधेर स्थिति पर हो यानी अच्छी स्थिति पर हो, तो वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित करना, तब आपका क्वेश्चन का उत्तर सेम वही होगा, दोनों क्वेश्चन का उत्तर वही होगा। आराम से आप नोट कर लीजिएगा,
एक एक करके हम खिसका रहे हैं, इसी तरह आप नोट कर लीजिएगा बहुत साधारण से। सर उसका मतलब आपको ये फिगर याद कर लेना है, ये देख रहे हैं ना, जैसा कि वैद्युत विभव का आप जानते हैं बी बराबर होता है, ये सूत्र आपका, ये सूत्र होता है, तो इसमें आपका दो बार विभव निकालना है क्योंकि प्लस आवेश पर और माइनस आवेश, प्लस आवेश पर और माइनस आवेश पर दोनों निकाल, प्लस आवेश पर अगर आप विभव निकालेंगे तो सूत्र वही होगा और माइनस आवेश पर अगर निकालेंगे तो नॉर्मल सी बात है सूत्र वही होगा, पर यहाँ पर प्लस होगा यहाँ पर माइनस होगा आर के बीच में। और एक बात, अगर आप इसको निकालते हैं तो एकदम सिंपल सादा बात है कि बी वन बी टू अगर बी निकालेंगे यानी परिणामी विभव निकालना है तो बी वन और बी टू को जोड़ना है, बी वन और बी टू जोड़ेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ कामन हो जाएगी इसमें, ये चीज़ कामन हो गई, ये चीज़ जब कामन हो गई तो आपको ये बचेगा। और इसको अगर यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद देखेंगे तो टोटल हल करने पर आपका ये आ जाएगा, ये हल करने पर ये आ जाएगा और ये सूत्र है आपका नेक्स्ट। तो इसके बाद हल करने से सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, बस बहुत सिंपल है, हल कर लीजिए, वीडियो लंबा बन जाएगा, आपको सोल्यूशन मिल जाए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक हिंट मिल जाए बस। ये आपका अगला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट से संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, और समांतर प्लेट की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। बस वही संधारित्र प्लेट जो होती है उसकी धारिता के लिए व्यंजक का निगमन यानी व्यंजक का उत्पन्न, व्यंजक कैसे बने, क्या है चीज़, इस तरह का प्रश्न उत्तर प्रश्न आए तो आपको उत्तर वही देना है कि ये वाले एक उत्तर यही चीज़, ये चीज़ बहुत साधारण सी बात है, इसको हम छोटा करके दिखा रहे हैं। इसको आपको कैसे बनाना है कि इसमें तो संधारित्र प्लेट, ये प्लेटें हो गई, आपको कैसे बनाना है, प्लेटें बनाने के बाद संधारित्र प्लेटें जो इसको P1 मान लेंगे और P2 मान लेंगे, दोनों प्लेट बने, दोनों के बीच में प्रवैद्युतांक भर देंगे, ये भरा हुआ है, और उसके बाद इस P1 पर आपको प्लस आवेश और माइनस आवेश इधर दोनों आवेश मान लेंगे, एक को पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे तो यानी प्लस आवेश जो है ये पृथ्वी में चला जाएगा इस तरह से आपको, और बीच में इसकी दूरी जो है डी होगी, बीच की दूरी क्या होगी, डी होगी, यही चीज़ जो बनाए हम यही चीज़ लिखना है संधारित्र प्लेट की, और इस प्लस आवेश माइनस आवेश और बीच प्रवैद्युतांक दोनों का, और इधर से देखिए इसमें तीर लगा हुआ है, इसमें तीर लगा हुआ है आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, बीच की दूरी डी कर देंगे, ये चित्र जो बनाए जैसा बनाए उसी तरह यहाँ पर लिखा गया है, सारी चीज़ें ऊपर वैसे लिखी गई हैं, अब इसको लिख भी लीजिएगा। और इसमें क्या करना है आपको, धारिता निकालना है, धारिता निकालना है, पहले ई बराबर आपको यहाँ पर ई बराबर आपको नज़र आ रहा होगा, ये चीज़ होगा सूत्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर ना, ये ई बराबर हो गया, उसके बाद ई से आपका ई बराबर होता है बी डी, बी डी होता है तो बी बराबर हो जाएगा ई गुड़ा डी, तो ई का मान आपका ये हो गया, ये चीज़ ई की जगह हम इस जगह हम ये चीज़ रख देंगे एक जगह, और डी ऐसे रहेगा, हल करेंगे तो सी बराबर होता है क्यू अपान बी, यानी अगर आप क्यू बराबर निकालेंगे, एक सूत्र भी पढ़े होंगे बहुत पहले भी पढ़ेंगे, दसवें भी पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ेंगे, क्यू बराबर अगर क्यू बराबर आप निकालेंगे तो क्या होता है कि क्यू बराबर सी वी, क्यू बराबर सी वी, तो इसमें देखते हैं तो सी यहाँ पर छोड़ देंगे तो बी या चलाएगा इसके बटे में, यानी सी बराबर क्यू बी। अब हम ले जा करके इसके ई का मान, ये इसको हम रख देंगे यहाँ पर बी, बी का मान देखते हैं इतना है, बी का मान इतना है, इसको हम सारी चीज़ें हम रख देंगे, सभी चीज़ें रख देंगे हम, रख के देखिए आपको आराम से समझ में आ गया होगा, ये चीज़ रखेंगे ना यहाँ पर, ले जाओ रख दो बी की जगह और उसके बाद हल कर दो, बस आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ये है जिसको आपको देखिए, इसमें विभवांतर की गणना करना है कि इसके बीच में विभवांतर कितना होगा, कितना होगा आपका विभवांतर, और इसके तो ये सारा क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आपको संधारित्र जोड़ना या इनको कैसे करना है, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में कैसे जोड़कर इसको हल करना है, ये चीज़ तो किस क्रम में होगा आप आराम से हल कर सकते हैं, इतना समझदार हैं जानते हैं, बहुत सिंपल है, आप बस रोक रोक कर वीडियोज को और लिख लीजिए, उसके बाद वो फिगर का आपका न्यूमेरिकल आ सकता है, और ये भी फिगर है, इस फिगर को आपको इस तरह चेंज कर सकते हैं, ये फिगर जो बना हुआ है ये आपका हल करेंगे तो हम इस तरह चेंज कर लेंगे, ठीक है, यानी कि आपका इधर से अगर धारा चल रही है तो एक धारा में आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, दो बार हम यहाँ धारा चल रही है, यहाँ 3 बना दीजिए। अब इस कनेक्शन पर आप देखते हैं तो यहाँ से ये आता पहले 8 माइक्रो एफ है, तो 8 माइक्रो यहाँ से और यहाँ से 8 माइक्रो एफ यहाँ पर बना हुआ है, दोनों को देखते हैं 8 माइक्रो एफ बना हुआ है, उसके बाद ये इधर से और फिर इधर से जाने के बाद एक 6 मिल रहा है, एक 6 मिल रहा है,
तो इधर से जब यहाँ पर 8 माइक्रोवेट, यहाँ से फिर निकला तो यहाँ 6, यहाँ पर 6, 2 माइक्रो, और उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर निर्गत। तो ये इस तरह से आप इसको इसका परिपथ बना करके और हीट स्टोन के हिसाब से परिपथ बनाने के बाद आप यहाँ पर हल कर लेंगे। हल किया गया है बस देख लेंगे और इसका उत्तर यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, और अगला क्वेश्चन है आपका, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दी जाए और इसकी गति में, मतलब इसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। 100 वोल्ट था पहले और 200 वोल्ट कर दिए रहे हैं और 100 माइक्रोफेरेड संधारित्र है तो कितना बन जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर डेल्टा यू बराबर अपन सी वी स्क्वायर आपको लगाना है और आपको -1 CV² घटा देना, मतलब ये सूत्र स्थिर ऊर्जा में वृद्धि, स्थिर ऊर्जा में वृद्धि आपको लगाना है और आराम से इसको हल कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2 बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र का रैखिक समाकलन में विभव में संबंध स्थापित करना है, ये सबको संबंध बताना है, तो आप आराम से इसको धीरे धीरे करके लिख लीजिएगा और संबंध स्थापित कर दीजिएगा। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हैं इनको देख लीजिएगा एक एक करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये आपका 60 क्वेश्चन में आ जा सकता है कि समतुल धारिता का क्या अर्थ है, इनको आपको और धारिता की परिभाषा दीजिए और ईसाई मात्रा लिखना है इसका। तो इस तरह से इतने प्रश्न थे, आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और हमारी वीडियोज को, सारी वीडियोज को देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से केमिस्ट्री और फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट्स के इंटर के क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज डाल रहे हैं। उसके बाद आपको हाई स्कूल से अगर जुड़ना है, हाई स्कूल की वीडियो पाना है, हाई स्कूल के लिए भी डालते हैं चैप्टर वाइज सोल्यूशन, NCERT सोल्यूशन मैथ का, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डालते रहेंगे। हाई स्कूल इंटर संबंधी सारी रिकवरी, हाई स्कूल इंटर संबंधी सारे लेटेस्ट अपडेट्स देते रहेंगे हम आपको और तैयारी कराते रहेंगे। बस इसके लिए आपको चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर करना है। तो वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी, कंप्यूटर और मोबाइल टेक्निकल वीडियोज मिलेंगी, बस आपको वेट करना है और कमेंट करना है, बताना है। तो वीडियो के लिए जो आपने देखा उसके लिए थैंक्स हम देते हैं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।